8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। इस बार के चुनाव में पाकिस्तान की 167 राजनीतिक पार्टियों के 6000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में, जबकि करीब 17,500 निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार के चुनाव में खास बात यह है कि इमरान खान की पार्टी के सभी उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पीटीआई का चुनाव चिन्ह रद्द किया जा चुका है। इस वजह से 3 मुख्य पार्टियों के बीच का मुकाबला अब काफी हद तक सिर्फ 2 दलों के बीच सिमटकर रह गया है। नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP। नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के नेता जीत को लेकर काफी हद तक निश्चिंत हैं, लेकिन पाकिस्तान के राजनीतिक विशेषक इमरान के उम्मीदवारों की भूमिका को बेहद अहम मान रहे हैं, जिनका मानना है कि भले ही पाकिस्तान में 17,500 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इमरान की पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवार किंग मेकर की भूमिका में है। कहा तो यह जा रहा है कि जीत दर्ज करने वाले निर्दलीय सांसदों का समर्थन जिस पार्टी को होगा, पाकिस्तान में उसी की सरकार बनेगी। भारत हो या पाकिस्तान या फिर कोई तीसरा देश, आम चुनाव में ज्यादातर सीटें मुख्य राजनीतिक दलों के खाते में जाती हैं। ऐसे में इमरान खान की पार्टी के नेता भले ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि 40 से 50 सीटों पर उनकी मजबूत पकड़ है और ये सीटें इमरान की पार्टी के खाते में जा सकती है। देश के सियासी माहौल को भांपते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है, जो इस बार के चुनाव में असली खेला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो मुस्लिम लीग नवाज को खूब कोस रहे हैं। नवाज के पीएम बनने पर विदेश मंत्री बनने से मना किया, पीएमएलएन से गठबंधन करने से बिलावल ने मना किया है। जीत के बाद राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात कही, इमरान की रिहाई की तरफ बिलावल ने इशारा किया है। बिलावल भुट्टो के तेवर इशारा कर रहे हैं कि उनके कदम पीटीआई की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि करीब 2.25 साल पहले 13 दलों के गठबंधन से पाकिस्तान में सरकार बनी थी। तब गठबंधन सरकार में नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री और बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री थे, लेकिन चुनावी मौसम में बिलावल भुट्टो ने पाला बदल लिया। पीटीआई के फिक्स वोट बैंक और संभावित जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों को लुभाने में बिलावल भुट्टो अभी से जुट गए। पाकिस्तान में होने वाले चुनाव में इस बार एक बात बेहद खास है। इस बार जो राजनेता चुनाव लड़ रहे हैं वो वर्ष 2018 के चुनाव में जेल में बंद थे, जबकि जो नेता अब जेल में बंद हैं, वो 2018 में चुनाव लड़ रहे थे। वैसे पाकिस्तान को लेकर एक सच ये है कि इस देश में सरकार चाहे किसी पार्टी की बने, उस पर फाइनल कंट्रोल सेना का होता है और यहां के राजनेता भारत के खिलाफ नफरत जाहिर करके अपनी राजनीति चमकाते हैं। अब आज का प्रेरक विचार, सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, सब्र वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। Z News.